हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट तो नहीं, चलो आप लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो, कहीं दिन हो रही होगी, कहीं रात हो रही होगी। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था बेटा? डिफरेंशिएशन में पढ़ रहा था ना, हमारी एक सीरीज शुरू है। अरे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री कोई वीडियो नहीं डाले, मैथ्स ही लेके चल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये मेन दो टॉपिक खत्म कर दूं जड़ से, इंटर के लिए और आईआईटी जेई के लिए। ठीक है बेटा, एकदम जड़ से उठाया है। मेरे डिफरेंसेस के जितने वीडियो हैं आप बस देखते जाइएगा, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर एक क्वेश्चन हर एक हार्ट से हार्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें पिछला वीडियो था चेन रूल पर, हिंदी में से क्या कहते हैं बेटा, श्रृंखला नियम। ठीक है ना, कौन सा नियम? श्रृंखला नियम, चेन रूल पढ़ रहे थे हमने। चेन रूल में किस टाइप के सवाल पढ़े थे बेटा? इस टाइप की, जैसे मैंने बोला साइन 4x का क्या कराओ, अवकलन, डिफरेंशिएशन कराओ साइन 4x का। तो तुमने क्या बोला भैया, साइन 4x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में साइन x का फॉर्मूला होता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो जो भी चीज साइन के साथ है उस पूरे को क्या मान लो, x। तो यहां साइन के साथ क्या है, 4x, तो इस 4x को मैंने क्या मान लिया, x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos, और जिसे तुमने x माना cos x। अब चेन रूल क्या कहता है, जिसको तुमने एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन फिर कराओ। तो लो मैं फिर करा रहा हूं डिफरेंशिएशन किसका, जिसको मैंने एक्स माना था, किसको माना था, 4x। चलो कॉस 4x, 4x का क्या होगा, 4 4 cos 4x, ऐसे सवाल हमने पढ़े थे। आज बेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसी के चेन के अंदर चेन आ जाए, चेन के अंदर चेन आ जाए, और ये वाले सवाल अब एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेंगे। 5.2 से डिफरेंशिएशन शुरू है ना एनसीईआरटी बुक में, तो आपको यार क्वेश्चन अब मिलेंगे, जैसे नॉर्मली उसमें चेन रूल के कैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, साइन x² + 5 का क्या कराओ, डिफरेंशिएशन। नॉर्मल सी बात, देखते ही पता चल गया। अब चार वीडियो के बाद तो देखते ही हलवा लग रहा होगा, सच बताना है ना। साइन और साइन साथ जो भी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और जिसे एक्स माना उसका फिर से, समझ आई ये बात बिल्कुल? ठीक है, कॉस x² + 5, डिफरेंशिएशन किसका बेटा, x² का, x की पावर n वाला रूल, तू यहां आ गया, और 5 कांस्टेंट है, 0 मतलब इस 0 से तो कोई मतलब है, 2x cos x² + 5। बेटा ये मल्टीप्लाई में यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात सेम होती है। ठीक है, ये इसका आंसर। और बता दूं एनसीईआरटी के कुछ सवाल, देखना बुक में ये सब मिलेंगे, इस टाइप के लगाना बेटा, 5.2 ये वाली एक्सरसाइज लगा लेना एनसीईआरटी, जिस जिसके पास है, जो बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी, तो 5.2 का कुछ सवाल है। अब देखो जैसे उसी टाइप के दे रहा हूं और तुम लगा लेना, ई की पावर कॉस एक्स, नहीं, ई की पावर एक्स की पावर 4, डिफरेंशिएशन। तुमने बोला भैया ई की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो e के साथ कुछ भी उसे x मान लो, e के साथ क्या है, x4 को क्या माना, x, तो ex का डिफरेंशिएशन ex, और डिफरेंशिएशन ऑफ जिसे x माना, किसे x माना, x की पावर 4 को। अब e x4 का क्या होगा, 4 यहां आ जाएगा, ये आ गया आंसर, ये सही से लिखूं, 4x³ e x की पावर 4 आंसर। समझे ना इस बात को, बिल्कुल नॉर्मल बात है। हाँ, अब एक सवाल देखो, उसमें लड़के डर जाते हैं। अब एक बात बता दूं, मैथ्स में ए बी ये सब कांस्टेंट है, ये रियल नंबर है कांस्टेंट, ये सब नियतांक होते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब। जैसे देखो एक सवाल से समझना, मैंने जैसे बोला तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन कराओ साइन ax + b का, अब तुम्हें पता है चेन रूल, साइन के साथ मैंने क्या बताया, कुछ भी लगाओ भैया, ए बी सी डी 1 2 3 4 कुछ भी लगाओ, उसे एक्स मानना है, साइन एक्स का कॉस एक्स जिसे एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका कराऊं बेटा, जिसको मैंने क्या मान रखा है, एक्स, किसे माना है, ए एक्स प्लस बी को। तो ये लिखा कॉस ए एक्स प्लस बी, अब डिफरेंशिएशन करा रहा हूं, ए एक्स का क्या होगा, तो ए क्या है बेटा, कांस्टेंट है, जैसे कि संख्याएं होती हैं कांस्टेंट, नितांक, इनका अवकलन नहीं होता है। तो जैसे कि 2x का क्या होता है, अवकलन 2, 3x का क्या होता है 3,
फोर एक्स का क्या होता है फोर, ऐसे ही एक्स का ए, अब बी कुछ नहीं जीरो, कॉन्स्टेंट है ना ये सब। जैसे भाई मैंने बोला टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराओ, तो तुमने बोला भैया ये टू कॉन्स्टेंट है इसे बाहर ले लो और इसका करा दो। ऐसे ही अगर मैं बोल रहा हूं तुमसे ए एक्स स्क्वायर का कराओ, तो भी तुम यही करोगे भैया ए भी क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे जो नंबर कॉन्स्टेंट था वैसे ही ए बी सी ये सब भी क्या माने जाते हैं कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर निकाल दूंगा और क्या करूंगा, तो वही चीज है। तो ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने टू एक्स लिखा और ए एक्स लिखा तो ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका भी नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। टू एक्स का टू होता है तो ए एक्स का ए और बी कॉन्स्टेंट जीरो होगा, तो मतलब क्या आया इसका ए कॉस, समझ गया ना बेटा बात, ना समझ आई कमेंट से पूछना, नॉर्मल बात है। लेकिन अब देखो और अब सवाल पे सवाल, ठीक है ना, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। अब मैं थोड़ा सा और अंदर जाता हूं, अब मैं चेन के अंदर चेन लेता हूं, ठीक है। चलो एक और सवाल देख लो, अब मैंने बोला अंडर रूट, चलो ये चेन के अंदर चेन, अभी देखना कितने बार अंदर चेन रूल लगेगा। चलो मैं बताता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ये शुरू हो रहा है आज का मेन टॉपिक, ठीक है ना, यहां समझना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स की पावर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो मतलब भैया बहुत नॉर्मल है ये, तो हो ही जाएगा साइन के साथ कोई भी चीज, क्या मान लो एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स क्या है, फिर चेन रूल क्या कहता है, जिसको आपने एक्स माना उसका फिर करा दो, हमने भैया इसे एक्स माना था इसका फिर करा रहे हैं, ठीक है। चलो फिर ये नोट कर लेता हूं बेटा, अब डिफरेंशिएशन किसका कर रहा हूं लॉग, फिर वही तुमने बोला यार यहां तो फिर चेन रूल लग रहा है, क्योंकि लॉग के साथ हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा है एक्स का, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो मैं क्या करूं x की पावर 4 को क्या मान लू x, नॉर्मल चेन रूल, तो log x का 1 अपॉन x किसे माना, अब डिफरेंशिएशन जिसे आपने x माना। अब देखो यहाँ पे चेन के अंदर चेन थी ना, पहले ये मेन चेन और फिर जब इसे तोड़ा तो इसमें भी एक चेन, पहले मैंने साइन इसको x मान के ये किया और फिर इसको भी x मानना पड़ा ना, ये देखो फाइनली आंसर cos log x4 अपॉन में x4, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 4 यहां इनटू 4 यहां आ जाएगा, ये लिख दिया, ये आंसर काटना है काट दो, x3 है यहां पे, x4 है यहां, क्या बचा 1x ऊपर बचा 4, तो आंसर ऐसे भी लिख सकता हूं 4 cos log x4 अपॉन में x आंसर, ठीक है। अब इसी आंसर को x अगर ऊपर ले आओगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो डरना मत क्योंकि नीचे पावर देख लो, यदि ये इसके नीचे x है, अब इसी आंसर को अगर ये ऐसे लिख के दे दे बेटा, सब बच्चे समझना, बड़ी डीपली समझा रहा हूं और बिल्कुल बता के, अगर मैं इसको ऐसे दे दूं इस आंसर को तो क्या गलत है इन दोनों में, नहीं भैया मैं इसे ऊपर ले आया, यहां पे वन था लिखा नहीं गया था, प्लस का ऊपर आया माइनस का हो गया, तो दोनों बातें एक ही है, ठीक है। चलो और देखो अभी तो मजा आएगा, मैंने बोला लॉग साइन 9x² + 5 कॉस 9x² + e^cos। चलो ये सवाल है मजेदार सवाल है, देख के डर रहे होगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं, तुम बिल्कुल बेसिक जड़, पहले चैप्टर्स क्या बताया जड़ ना, जड़ पकड़ो कहां से उठा रहे हैं लॉग, लॉग के साथ कुछ भी होता है उसे क्या मान लेते हैं एक्स, इस पूरे को मन में क्या माना बेटा एक्स, लिखना मत मन में मानना है कि क्या मान लिया एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन छोटा लिखता हूं मेरे फंस जाएंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x साइन प्लस 5 cos, log x का 1 अपॉन x, पूरा x था
अब डिफरेंशिएशन किसका बेटा, जिसको हमने एक्स माना है, इस पूरे को एक्स माना है, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर कॉस एक्स, समझ रहे हो ना। चलो इसे नोट करता हूं, वन अपॉन साइन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कॉस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, तीनों में दिख रहा होगा चेन रूल लगेगा, क्योंकि साइन के साथ जो भी हो एक्स माना, डिफरेंशिएशन चेन रूल, कॉस के साथ कुछ भी है एक्स मानूंगा, ई के साथ कुछ भी एक्स मानूंगा, तीनों में चेन रूल लग रहा है, इसलिए एकदम से नहीं करता हूं, अलग अलग करूंगा ना, सेपरेट कर लेता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव कॉस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर कॉस एक्स। समझ आई ना बात बेटा, देखो लॉग था, लॉग के साथ कुछ भी होगा उसे क्या मान लेंगे, एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, अब जिसे एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन ये हुआ, अब उसका डिफरेंशिएशन कराने जा रहा हूं, पहले मैंने सेपरेट कर लिया, अलग अलग लिख लिया, अब इनका कराता हूं, चलो देखो बोर्ड में जगह बचती है कि नहीं, आगे ऊपर मिटा दूंगा, ई की पावर कॉस एक्स, अब डिफरेंशिएशन नाइन एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, साइन के साथ जो भी उसे क्या माना एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, ये साइन एक्स ये एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और डिफरेंशिएशन जिसे एक्स माना, चलो आगे चलता हूं, प्लस फाइव का होगा नहीं, कांस्टेंट है बाहर लेता हूं, और डिफरेंशिएशन किसका कराता हूं, कॉस, कॉस के साथ जो भी है उसको बेटा क्या बोलूंगा, एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, समझे ना बेटा, ये तो कोई क्या था, फाइव का होगा नहीं तो कांस्टेंट है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अब जिसे एक्स माना उसका फिर से जगह भर गई भाई, चलो ऊपर इसके आगे करता हूं, समझ रहे हो ना, ऊपर का मिटा रहा हूं बेटा, उसके आगे करेंगे, ये था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर, अब ये बच रहा है मेरा, चलो और छोटा लिख देता हूं यहां से, कॉस नाइन एक्स स्क्वायर की पावर कॉस, ठीक है ये लिख दिया मैंने, अब ये लिख रहा हूं इंटू कॉस नाइन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस, माइनस लिख लूंगा अभी से, माइनस फाइव साइन नाइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर, अब ये बचा ना देखो, तो ई कॉस एक्स का यहां पे भी क्या लगेगा, चेन रूल ना, ई के ऊपर कुछ भी है क्या मान लिया एक्स, ई एक्स का प्लस ई एक्स का ई एक्स, और डिफरेंशिएशन जिसे एक्स माना, एक्स किसे माना, कॉस एक्स, चलो समझ रहे हो ना, चेन के अंदर चेन है, लेकिन बहुत इजी है ये भी देखते जाना, चलो बेटा फिर से सॉल्व करता हूं, वन अपॉन साइन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कॉस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर कॉस एक्स, यार कुछ बच्ची है तो नहीं परेशान हो रहे ना कि कहीं मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं कभी नहीं, अरे वो कोई मतलब नहीं है, मैं ब्रैकेट लगा के तुम्हें दिखाता हूं कि उसको मैंने एक्स माना है, कोई लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज मत होना, कभी मैं लगा रहा हूं कभी नहीं, ठीक है, वो अपने ऊपर है, चलो इंटू कॉस 9x स्क्वायर, अब देखो बेटा 9x स्क्वायर का फिर कराना है, इतना तो तुम जान ही चुके हो, 9 दुनी बुढ़े का माइनस 5 साइन 9x स्क्वायर, अब देखो यहां पे भी क्या है 9x स्क्वायर, क्या है बेटा यहां पे भी 9x स्क्वायर, 9 दुनी प्लस e की पावर cos x, और डिफरेंशिएशन cos x का
माइनस साइन एक्स। बताओ क्या नहीं समझ आया, देख लो यहां से कोई दिक्कत, देख लो ठीक है यहां तक। अब इसका और रफ कर रहा हूं, चलो वन अपॉन साइन 9x² + 5cos 9x² + e cos x, ये हो गया बेटा ऊपर, ये सब गुड़े में है ना, गुड़े में, तो मैं साथ लिख लेता हूं 18x cos 9x² - 18 पंचे 90 - e की पावर cos x। आंसर ये आ गया आंसर, कोई डाउट? ये सब क्या है, इसके गुड़े में चल रहा है ना बेटा ये आंसर, कोई दिक्कत बताओ, कोई यहां पे डाउट हो? तुम ये समझ गए ना रूल? अभी तो आंसर सब आने लगेंगे, सब तुम्हें आ ही रहा है, तुम समझ गए ना रूल में क्या बता रहा हूं? और देखो अभी चेन के अंदर चेन, क्या देखना है हमको, चेन के अंदर चेन, चलो मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ करो, हालत खराब। हाँ मैंने क्या बोला है, पिछले सभी वीडियो में एक बात बताता आया हूं, जब भी अंडर रूट हो उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करो बेटा, पावर में। चलो dy by dx of tan e sin x e की पावर sin x कि मैं सबको क्या लिख देता हूं, इन सब की पावर हाफ, मतलब इन सब की घात 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। मैं हर वीडियो में बात बता रहा हूं, दिमाग में डाल लो। अब ये लिख लिया तो जैसे ही कोई पावर वाला सवाल आता है बेटा तो तुम्हारे माइंड में आ जाता है तुरंत कि डिफरेंशिएशन हमने केवल किसका पढ़ा है, पावर एक्स की पावर। तो यहां पे कोई भी चीज हो उसको मान लो एक्स, तो वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं एक्स की पावर एन वाला। तो इस पूरे टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स, तो एक्स की पावर क्या हो गई, हाफ है ना, मैंने इसको क्या मान लिया एक्स, और एक्स की पावर हाफ, तो एक्स के एन वाला फॉर्मूला क्या है, पावर यहां आ जाती है, ये आ गई, आगे एक्स लिख जाता है जो ये रहा। समझ आई ना बात, और ऊपर से घट जाता है, यही था कि पावर सामने आ गई ऊपर से घट जाएगा। चलो और उसके बाद डिफरेंशिएशन उसका कराएंगे जिसको मैंने क्या माना है बेटा, एक्स, एक्स मैंने इसे माना नॉर्मल ना, देखो वही चेन रूल ही तो लग रहा है और कुछ नई चीज नहीं है, बिल्कुल वही अंडर रूट था। मैंने सबसे पहले नियम क्या बताया, अंडर रूट में पावर था, पावर लगते जान गया मुझे भी एक्स मानना पड़ेगा जो भी चीज होगी, क्योंकि एक ही चीज का फॉर्मूला है एक्स की पावर वाला, एक्स की पावर ये, और अगर एक्स की पावर का मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूं तो क्या होता है बेटा, जो पावर होती है वो यहां जाती है आगे एक्स, और ऊपर पावर में से एक घट जाता है, ये रहा। और डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से जिसको एक्स माना उसका ये, चलो 1/2 tan e की पावर sin x 1/2 में एक जाता है तो -1/2 बचता है, मैं बता चुका हूं, लगा भी चुका हूं, ठीक है। अब इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन tan, फिर से चेन रूल, tan के साथ जो भी है बेटा उसे क्या मान लिया x, तो tan x का sec स्क्वायर x किसे माना है, और जिसे x माना उसका फिर डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ आई कि नहीं,
बताओ इतनी बात में क्या दिक्कत है? क्या था? अंडर रूट 10, पावर बदला यहां लाया, पावर घट के ये हो गई 10। ये क्या है? एक्स, 10x का sec स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब देखो फिर चेन रूल, e की पावर किसका फॉर्मूला पड़ा है? x का। यहां पे e की पावर क्या है? साइन x। इसे फिर क्या माना? x। तो e की पावर x का, e की पावर x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। अब सोच लो अगले स्टेप में करवाऊंगा साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। ये आंसर। अभी जब पूरा फैक्ट समझ गए ना, ये इसका क्या बेटा आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? चलो और देखो, प्लीज यार, बस यही ठीक है ना। ये सब देखने से पहले पिछले वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छा समझ आएगा। चलो और देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ लॉग एक्स नॉर्मली। चलो हटाओ ये भी, मैंने लगा कंफ्यूज हो। मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन कराओ, एक नंबर हलवा सवाल है ये, 2 मिनट में हो जाए देखते ही। अरे भैया हो जाएगा, नॉर्मल सी तो बात है, इसका तो डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है क्योंकि संख्या है, बाहर कर लेता हूं और इधर करा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो लॉग के साथ जो भी, उसे क्या माना? एक्स, लॉग एक्स का 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको तुमने एक्स माना। देख लो लॉग, लॉग के साथ जो भी था तो क्या माना? एक्स, लॉग एक्स का 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। टू अंडर रूट एक्स गुणे में। चलो अंडर रूट एक्स का क्या होगा? याद है अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। कैसे? तो बता चुका हूं पूरे वीडियो में, इसका बहुत बार कराया, तुम भी अभी करा सकते हो। एक्स की पावर हाफ है, अंडर रूट उठाया हाफ है, हाफ सामने आया, एक्स में से एक घटा, ये देखो एक्स, ये माइनस 1/2। जब हम नीचे आया तो माइनस से एक्स क्या हो गया? प्लस का अब 2। और इसको क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर हाफ अंडर रूट। देखो एक अंडर रूट एक्स का क्या आ गया? 1/2 अंडर रूट एक्स। मैंने फिर करके दिखा दिया, इसलिए मैं सीधा लिखूंगा अगले वीडियो में हर एक में, ठीक है ना? मुझे बड़े बड़े लेवल में पहुंचना है। अब मैं ऐसे छोटे छोटे बताता रहूंगा फिर टाइम बहुत बीतता जाएगा। अब तुम सब पीछे देखो, अब फास्ट बढ़ेंगे IITians की तरह, ठीक है ना, तेजी से। चलो अंडर रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 यही होगा, गुणा करा दें, 2 × 2 = 4। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स जा, अंडर रूट एक्स। ये गुणा सिखा दूंगा, एलजेब्रा वीडियो, बेसिक एलजेब्रा देख लेना बेटा बाय चिल क्लासेस, ठीक है ना? चिल क्लासेस में जाके बेसिक एलजेब्रा का देख लेना, पूरा ABCD क्या होती है गणित में। बहुत लोगों को लगता है देखते ही XYZ डर जाते हैं कि कौन सी ABCD दे दी गणित में, हम तो गणित पढ़ रहे हैं। तो बेटा ABCD नहीं, वो बीज गणित है, वो भी जाके देख लेना, ठीक है? ये चीज समझ आई कि नहीं, एक बार देख लो, कमेंट्स कर दो जो भी दिक्कत हो। हाफ का नहीं होता, हाफ यही है, लॉग एक्स का इसे एक्स माना, 1/x जिसे एक्स माना, ये आ गया 1/x, ठीक है? चलो और देखो, इसी का आंसर बहुत जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स को अगर ऊपर ले आऊं। बेटा हम कंफ्यूज करते हैं, अगर बेसिक जड़ मजबूत है, सब बातें पता है, तो कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। ये फील, ये देखते तुम ये फील कर सकते हो ना, वैसे नीचे ले जाऊंगा तो एक्स हो जाएगा। देखो दोनों बातें एक ही हैं, ये लिखूं चाहे इनवर्स करके लिखूं, ठीक है? चलो और देखो, अब मैं बोल रहा हूं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर
ई की पावर अंडर रूट टेन एक्स स्क्वायर। देखो फिर लेंथी होते हैं सवाल लेकिन बहुत इजी, ई की पावर अंडर रूट टेन एक्स स्क्वायर क्या करें इसमें भैया, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा दो, ई के साथ जो भी क्या मानो एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अब जिसको मैंने एक्स माना उसका फिर डिफ्रेंसिएशन, ठीक है कर रहे हैं, चलो ई की पावर अंडर रूट टेन एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका कराऊं तो तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन कराने से पहले अंडर रूट को पहले किस में बदल लो, पावर में, टेन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, पावर लगते ही तुम्हें पता चल गया पावर जिसकी है उसको एक्स मानना पड़ेगा। ये देखो ये एक्स है, ये टेन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है, हमने एक्स की पावर वाले फॉर्मूले पढ़े, इसको एक्स माना, एक्स की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ इधर आया, एक्स ये लिखा, ऊपर से एक घटा, डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको मैंने एक्स माना, जब जब मैं एक्स मानूंगा तब तब मुझे चेन रूल याद आएगा, जैसे मैंने इसे फिर एक्स माना जान के मुझे फिर इसका कराना पड़ेगा। ये लो एक एक स्टेप कर रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप, इंटू वन अपॉन टू टेन एक्स स्क्वायर, हाथ में से एक गया माइनस एक डीवाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर। देखो अब फिर से यहां चेन रूल, टेन के साथ कुछ भी लगाओगे उसे क्या मानूंगा, एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किसे माना एक्स, बात समझ आ रही है ना बेटा, हाँ सर समझते जाओ, बिल्कुल इजी बात है, क्या बच रहा है, e की पावर टेन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू टेन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, ये आ गया बेटा, ये आंसर है। बहुत लोग बोल रहे हो सर आप इतना ही करके छोड़ देते हो बुक में दूसरे आंसर, बेटा ये नहीं, बेसिक डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है ना, अब इसमें क्या बचा, इसको अगर तुम कर रहे हो क्या कर रहे हो, देखो ये टू से टू खत्म, क्या बचा ई की पावर टेन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बेटा अंडर रूट में टेन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के वन अपॉन टू है, नीचे ले जाऊं ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आया यहां पे, अब लिख दो सबको साथ में, ये लो। अब भाई देख क्या है, नॉर्मल है ना, तुम सब समझ गए ना बेटा कैसे हो रहा है, देखो e की पावर टेन एक्स जब इंटू में था मैंने गुणे में लिख दिया, सबको साथ लिख दिया, एक्स ये रहा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा साथ में लिख दिया, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, अपॉन में टेन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ थी, हाफ पावर हटा के अंडर रूट लगा दिया, ये रहा आंसर, यही बात सही, यही बात सही, तुम्हें छोटा कर दिया ना, चीज तो यही सही हो गई थी ना, डिफरेंशिएशन सब हो गया था, समझ रहे हो ना, वो कुछ गलत नहीं होते हैं, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसलिए डाउट क्लियर कर रहा हूं, बेसिक पहले सीखो, अभी तो बहुत वीडियो आनी है डिफरेंशिएशन की, मैंने क्या बताया, चाहे 40 वीडियो बने चाहे 20 वीडियो चाहे 30 वीडियो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि तुम लोग कितने मजबूत हो रहे हो, कितने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो अंदर से, डिफरेंशिएशन को लेकर कोई भी आए फट से देखते जाओ, अभी तो 14-15 वीडियो है मेरा डिफरेंशिएशन पे बेटा, आओ डिफरेंशिएशन ऑफ, अब तुमको लगभग तुम सभी समझ गए, बहुत होशियार हो गए तुम दो लोग, चलो अब मैं नॉर्मली तुमको एक हाँ लॉग वन अपॉन अंडर रूट है अब परेशान कुछ लोग बेटा ऐसे सवाल भी आते हैं परेशान हो जाते हैं बच्चे, लॉग इसको क्या मान लें
एक्स नॉर्मली है, तो चेन का तुम्हें समझना है इसमें चेन के अंदर चेन लगेगी कि नहीं देखते हैं। लॉग इस पूरे क्या माना एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और डी वाई बाय डी एक्स ऑफ जिसे एक्स माना ना लॉग साथ में एक्स चलो वन अपॉन रूट एक्स डिफरेंशिएशन कराऊं वन अपॉन एक्स का। अब बताओ कैसे होगा, तो बेटा एक्स की पावर समझना इस बात को, एक्स की पावर क्या है, चलो इसमें सही से लिखूंगा अभी कुछ ना कराऊं अभी सही से लिखता हूं। एक्स की पावर हाफ प्लस, अब देखो बेटा एक बात, अंडर रूट एक्स और एक्स कट जाते हैं, तुम्हें पता है क्या होता है हर एक चीज में दो अंडर रूट की छुपे होते हैं, एक्स के अंदर दो अंडर रूट एक्स है, वाई के अंदर दो अंडर रूट वाई है, तो यहाँ पे एक्स था इसमें दो अंडर रूट एक्स होंगे, एक अंडर रूट एक्स ने एक अंडर रूट एक्स को काट दिया, क्या बचा अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे बचा अंडर रूट एक्स, समझ गया ना। यहाँ पे भी काट दूं इसे भी छोटा कर सकता हूं, मन की बात है मत करो, चलो वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो गया ऊपर जाएगा, ऊपर का जाते ही क्या हो जाएगा है एक्स की पावर माइनस एक बटे दो, अब माइनस इसका कैसे होगा, माइनस का एक बटे दो कहाँ आया यहाँ एक्स, और माइनस के एक बटे दो में से क्या घटा एक घटा, प्लस अंडर रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, और सॉल्व करें इसे चलो। क्या आ रहा है ये माइनस का है ना, मल्टीप्लाई है ना सब आपस में पूरा, माइनस यहां ले लो माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, ये क्या है बेटा एक बटे दो गुणे एक बटे दो एक्स की पावर, इनको माइनस माइनस प्लस माइनस तीन बटे दो प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट, ठीक है समझ आई बात, बात समझ आई पूरी, ठीक है अभी बुक भी लगेंगी, ठीक है ना बेटा बुक के भी क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं, बस ये अब चेन रूल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब तुम लोग करोगे सब, समझे चलो। और देखो यदि ये दूं मैं ये तुम लोग करोगे कमेंट वाला है, ये इसका आंसर निकाल के दो बेटा, बहुत अच्छा है sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, बताऊंगा नहीं तुम्हें खुद याद करना है, देखना है पूरा इसका लगाना है कैसे क्या होगा, और मुझे कमेंट करो ठीक है, मैं इसको लगवाऊंगा नहीं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लगवा दिए, और भी एक ले लो ये भी करके लाओगे ठीक बेटा। अब देखो अगर मैं एक और सवाल बताऊं तुम्हें, ये तुम दोनों जन नोट कर लो, कमेंट्स में बताना या फोटो खींच के दे देना कमेंट्स में, देखो अब बेटा e की पावर x की पावर 3 log कर लोगे, देखते ही समझ आ गया या कर दूं, चलो कर देता हूं लॉग, लॉग के साथ जो भी है क्या माना एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन बेटा जिसको हमने एक्स माना बहुत तेज तेज ठीक है एक्स माना वन अपॉन ई एक्स की पावर थ्री, ई एक्स की पावर थ्री है फिर से चेन रूल, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स थ्री, समझ रहे हो ना कैसे क्या हो रहा है, e की पावर x की पावर 3 इंटू e की पावर x की पावर 3 x 3 का 3x स्क्वायर, आंसर काट सकते हो काट दो नीचे पर सेम है ना काट सकते हो काट दिया, क्या बचा केवल 3x, चेक
चेन रूल तो सबसे मस्त है। अब देखो बेटा इसके बाद अब शुरू होगा अगली वीडियो जब मैं दूंगा, लगभग चेन रूल अब खत्म है, बस मुझे एनसीईआरटी और कुछ बुकों के अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो टोटल बुक पे क्वेश्चन होंगे, हार्ड से हार्ड बोर्ड एग्जाम में आए हुए, 12th में, 11th में, एनडीए में, जितने भी एग्जाम में सब चीज के मिक्स सवाल दूंगा, अलग अलग टॉपिक बना के कि आज बोर्ड के हैं, 5-6 वीडियो आएंगे। पूरा चेन रूल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तब हम शुरू करेंगे अपना प्रोडक्ट रूल, फिर डिवाइड रूल, फिर लेगोरिथम रूल, लॉक के रूल, फिर इनफाइनाइट सीरीज के, फिर कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर्स, हर एक किताबें सब लगाना है, बहुत काम है। मजबूत कर लो अपने दिमाग को, पेन को, हाथ को, सब चीज को, और पढ़ने के लिए बैठ जाओ बेटा, मस्त चीज है, चिल से, ठीक है। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक वेट करिए और दबके पढ़िए और कमेंट्स में अपने वो भेजिए, ठीक है। हेलो टट्टा।